हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। तो आज अभी मैं हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, बोले तो शॉर्ट में जैक बिलासपुर, जो स्थित है कोनी शायद जंगल एरिया में ही स्थित है। देखो चारों तरफ आप लोग को दिख रहा होगा मतलब कॉलेज, और अभी स्टूडेंट मतलब जा रहे हैं अपने अपने कॉलेज। तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तो बात ऐसी कुछ है ना, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं और मेरे सीनियर भी हैं, तो मैं आया था कहीं और, तो मैं यहाँ पर हॉस्टल में आज रात भर मैं रुका था इसी के मतलब फर्स्ट ईयर जो हॉस्टल है वो। तो मैं भी चलो कॉलेज घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या स्थिति है कॉलेज का, तो इसीलिए मैं आ गया। यही है महाविद्यालय, अंतर तो मतलब घूमाना, लेकिन उन दोस्त को बोलता हूँ मैं कि ब्लॉग शूट करूँ क्या, बोलता है मत कर, नहीं तो क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे मतलब। तो अंदर नहीं किया, मतलब कंफर्टेबल नहीं था ना अलग अलग नए लोगों के साथ। तो देखिए ये मतलब गार्डन है, घास उद्यान है, कुछ लिखा था है राष्ट्रीय गार्डन है। चलिए थोड़ा का क्लिप तो मैं अंदर का दिखाऊंगा, उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ क्लिप मैं दिखा दूंगा। चलिए इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा जस्ट घर, अभी पूछ लेता हूँ। अभी सीनियर लोग दिखाई नहीं रहे और अपने बैचमेट भी हैं और मिले ही नहीं, अब दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। तो घूम लिए हम जैक बिलासपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, अब मैं चलता हूँ घर। यही था सब क्लासेस जा रहे हैं तो, और अभी मेरा साढ़े दस का टाइम हो गया है, चलिए चलते हैं। ये रहा कुछ डेट कर लो कुछ इसके बाद में। ये फ्रेंड्स ये भी अपना बैचमेंट है, यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट है, तो सी एस डिपार्टमेंट में है, इन्हीं का कॉलेज है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इनको देखने आया हूँ। कहाँ है अभी? ठीक है, बना बना ब्लॉग। हाँ फ्रेंड, देखिए हमारा बैचमेंट थे, यही पढ़ते हैं। ठीक है भाई ना, निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, आऊँगा फिर कभी मिलने। ठीक है, मेरे बैचमेंट ही थे और एक दोस्त से नहीं मिले, मतलब कभी मैं ऐसा हुआ मतलब हुआ नहीं ना कि मैं मतलब फ़ोन करके पहले से वो आगा कर मैं आ रहा हूँ, इसलिए नहीं मिले। रविशंकर तो भाई ला रहा है, तो फिर देखा तो पता नहीं गया। ये भी है इसका एंट्री गेट, तो मतलब यहाँ से गर्ल्स जाती हैं, वहाँ से बॉयज़ जाते हैं, वहाँ से बॉयज़ हॉस्टल है, और इधर पता नहीं गर्ल्स का हॉस्टल कहाँ पर है। सीनियर भी हैं हमारे प्रयास के सीनियर, मोस्ट ऑफ द फेमस एंड रिस्पेक्टेड प्रकृति गुप्ता जी, प्रकृति जी से मुलाकात तो हुआ नहीं, मिलेंगे बट हुआ नहीं। ऐसा लोग पीजी में रहते हैं ना, जैसे हॉस्टल अलॉट नहीं होता तो पीजी में रहते हैं, तो बाहर से मतलब बाइक वगैरह में ऐसे आते हैं। तो मुझे पता है क्या लगता है कि गर्मियों से चल रहा है मतलब, और हमने देखिए गेट है भाई, घर मुझे देख रहे हैं भाई ठीक है, अभी कर क्या रहा है तब कैमरा को मैं रियर कैमरा है रियर से शूट कर रहा हूँ ना, तो फिर मतलब जो सामने है फ्रंट तो उनको दिख रहा होगा वीडियो, रहेंगे पागल वागल है क्या कि नहीं, मोबाइल को उल्टा करके वीडियो बना रहा है सब अपना, मतलब वीडियो शूट करते हैं तो सेल्फी कैमरा से मतलब फ्रंट कैमरा से करते हैं, और मैं हूँ उल्टा मतलब ब्लॉगर ही करते हैं, ब्लॉगर में जैसे मैं कर रहा हूँ ब्लॉगर भी करते हैं, लेकिन जो नहीं पता होगा ब्लॉगिंग के बारे में उनको लग रहा होगा ऐसा। पॉलिटेक्निक कॉलेज है जीजू, तो एक बार और मैं घूम के आ जा सकता हूँ क्योंकि पास में ही है। मतलब कल जिसको बोला था मैं सरप्राइज ना, वो
मतलब क्या मैं उसको कॉल किया था तो उसका कॉल बिजी था, तो फिर बाद में रिस्पॉन्स आया, बोले कि नहीं किस लिए कॉल किया। मैं बोला सरप्राइज देना था, बट प्लान फेल हो गया। इसका देखिए मेन गेट, चलिए यहाँ से बस ढूंढते हैं। वेट कर रहा हूँ, बस आ ही नहीं रहा है एक भी। बस जाती है नहीं अभी फिलहाल, कोई बस नहीं आ रही है और बस इतने यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बस इतना जा नहीं सकता। और अभी ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर ना कि अभी का जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि यहीं पर रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है। जब आया आता हूँ बहुत लगता है कि इतना दूर कैसे आया, कैसे जाऊँ, कैसा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल यहीं पर रहने का हो रहा है, यहीं जाऊँ। और जो कि ऐसा लगा कि अंबिकापुर तो आप पास में 20-30 किलोमीटर है, तो 1 घंटा में पहुँच जाऊँगा। मुझे क्या पता क्यों, तो 200 किलोमीटर है भाई वहाँ, लेकिन कम से कम 4 घंटा लगेगा। बस वेट कर रहा हूँ, जब बस आ जाए चलता हूँ।